नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे इन खबर के माध्यम से लेके आया हूं आप सभी के लिए दिन भर की 20 बड़ी खबरें। चलिए रुख करते हैं इन बड़ी खबरों की ओर। चुनाव आयोग के रोक के बाद संकट मोचन की शरण में पहुंचे सीएम योगी, बोले काफी दिनों से दर्शन की इच्छा थी, आज पूरी हुई है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने किया नामांकन, बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश बोले जनता चौकीदार और ठोकरदार की चौकी जरूर छीनेगी। पूनम सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया, उन्होंने सुबह ही अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद पूनम सिन्हा ने रोड शो किया, इस दौरान उनके साथ डिंपल यादव समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल थे। भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने पटना CGM कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। सुशील मोदी का कहना है कि राहुल गांधी के बयानों से करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत हुई है, उन्होंने करोड़ों लोगों को चोर बताया। दरअसल वे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए उस बयान से नाराज हैं जिसमें राहुल ने PM मोदी पर निशाना साधा था और मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर कह डाला था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द होनी चाहिए, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए साध्वी प्रज्ञा की सेहत ठीक है, अगर उनकी तबीयत ठीक है तो फिर से उन्हें जेल में डालो। यूपी की बुलंदशहर लोकसभा सीट पर गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच यहां के JP जनता इंटरनल कॉलेज से खबर आ रही है कि BJP प्रत्याशी भोला सिंह ने बूथ पर जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, इसके लिए जिला अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर नजरबंद करने का आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गुरुवार को 15 से 20 बंदूकधारी ने बस सवार यात्रियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मारने से पहले बंदूकधारियों ने सभी पीड़ितों को बस से नीचे उतारा था। प्रांतीय गृह सचिव हैदर अली ने बताया कि हमलावरों ने पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉप्स की फोर्स वर्दी पहनी हुई थी। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष अभियान की अवधि में विस्तार होने के बाद ही अब वह अंतरिक्ष स्टेशन में 328 दिन बिताने का एक नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया गया यह सबसे अधिक समय होगा। पश्चिम बंगाल के रायगंज में मतदान के दौरान हिंसा की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां के CPM उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को हल्की चोटें आई हैं। रायगंज लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में CPA उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर हमला किया गया। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान GL नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव पर एक व्यक्ति ने जूता फेंक दिया, जिस दौरान जूता फेंका गया। GL साध्वी प्रज्ञा के भोपाल से उम्मीदवारी के बारे में जानकारी दे रहे थे, तुरंत हरकत में आते हुए भाजपा मुख्यालय के स्टाफ ने व्यक्ति को पकड़ लिया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ ही कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, वे अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा कार्यकर्ता के शरीर में जान है तब तक कश्मीर को कोई भी भारत से अलग नहीं कर सकता है। विजय माल्या वसूली की कोशिशों से राहत पाने के लिए ब्रिटिश हाई कोर्ट को समझा पाने में नाकामयाब रहे। बुधवार को कोर्ट ने माल्या के लंदन स्थित बैंक अकाउंट में 2,59,000 pounds यानी कि करीब 2,34,00,000 रुपए पर कब्जा पाने भारतीय बैंकों की कोशिश के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। जीत की हैट्रिक लगाने वाली दिल्ली की टीम गुरुवार को जब अपने घरेलू मैदान फिरोजशाह कोटला में 3 बार की चैंपियन मुंबई के खिलाफ उतरेगी तो उसकी निगाह विजय अभियान जारी रखने में होगी। दोनों टीमें अब तक 23 बार आमने सामने आ चुकी हैं। दिल्ली ने जहां 12 मुकाबले जीते हैं तो 11 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं। अब जल्दी OnePlus 7 भारत में लॉन्च हो सकता है, लेकिन इस बार OnePlus 7 के 3 वेरियंट आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि OnePlus 7 की कुछ फोटोज लीक हो गई हैं जिसमें OnePlus 7 का लुक देखा जा सकता है। अब बजट स्मार्टफोन में भी प्रीमियम कैमरा क्वालिटी देखने को मिल सकती है। चिपसेट निर्माता कंपनी MediaTek ने अपना नया प्रीमियम और अफोर्डेबल प्रोसेसर MediaTek Helio P35 को भारत में पेश किया है। नए MediaTek Helio में प्रोसेसर की मदद से इमेज क्वालिटी के साथ साथ बोके इफेक्ट में बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। सैमसंग की तरफ से लगातार हर सेगमेंट में नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग ने अब नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A70 को लॉन्च कर दिया है। गैलेक्सी A70 में सैमसंग पे भी दिया गया है। दीपिका पादुकोण बीते कई दिनों से दिल्ली में खुलेआम घूम रही हैं। खास बात यह है कि दीपिका को देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बॉलीवुड की इतनी मशहूर एक्ट्रेस को पहचानना लोगों के लिए मुश्किल क्यों रहा है, तो जवाब है दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म छपाक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज तमिलनाडु और कर्नाटक में हो रहे मतदान के दौरान साउथ के दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान रजनीकांत और कमल हसन ने अपने परिवार के साथ वोट डाला।
हाल ही में रणबीर और आलिया को एक साथ इंटीरियर डिजाइनर के ऑफिस में देखा गया। वर्ली स्थित डिजाइनर के ऑफिस में अंदर जाते हुए दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि दोनों अब एक साथ रहने वाले हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे विवादों में घिरती जा रही है। ट्रेलर सामने आने के बाद ही फिल्म पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहले तनुश्री दत्ता ने अजय देवगन पर निशाना साधा था, अब राइटर विंता नंदा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अजय देवगन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है कि वो स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है, केवल पैसा कमाना ही उनका लक्ष्य है। आशा करते हैं कि आपको 20 बड़ी खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये खबरें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।